हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चावल। इसके लिए हमने चावल लिए हैं 3 गिलास, जो हमने धो के साफ कर लिए हैं। ये हमने तेल लिया है 1 कटोरी, नमक लिया है 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, लौंग 4-5, और ये हमने 2 तेज़पत्ता लिए हैं, और ये पानी लिया है हमने 7 गिलास। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चावल बनाना। ले लिए है और उसमें हमने आधा कटोरी तेल डाल दिया है, और इस तेल को हम गर्म होने देंगे। हो गया, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, तीन चार लौंग और 2 करी पत्ता, और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। चावल ऐड कर देंगे 3 गिलास, नमक ऐड कर देंगे 2 चम्मच, और इसको चावल हर चीज मिक्स कर देंगे, और चावल को जो है करीब 5 मिनट तक भूने देंगे। पानी ऐड कर देंगे 7 गिलास, ये हमारे 3 गिलास चावल है, उसमें हमने 7 गिलास पानी डाला है, 1 गिलास पानी हमने जो है इसमें एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि हमें 1 गिलास चावल 2 गिलास पानी डालता है। अच्छे से चला देंगे, और 20 मिनट बाद हमारे चावल जो है बन के रेडी हो जाएंगे। कवर कर देंगे इसको। बाद जो है हमारे चावल जो है बन के तैयार हो गए, ये देखिए, और इसमें हमने थोड़ा सा जो है 1 चम्मच के करीब देसी घी ऐड कर दिया है, और ये चावल जो हमने बनने के बाद जो है हमने थोड़ा सा 10 मिनट के लिए इसे कवर करके ही छोड़ दिया था, ताकि जो हमारे चावल है अच्छे से बन जाते हैं, और इसको हम अच्छे से चला देंगे ताकि जो घी है वो हमारे चावल में अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे चावल बनने का कितने अच्छे बने। देखिए, चावल जो है हमारे चिपके नहीं है, और एकदम से बहुत अच्छे से बन के जो है तैयार हो गए हैं, ये देखिए। और बहुत ही आसान तरीके से आप चावल को बना सकते हैं, ऐसे दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये देखिए। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। इसके लिए हमने दही लिया है 2 गिलास, बेसन 1 कटोरी, नमक 2 चम्मच, मिर्च 2 चम्मच, हल्दी 2 चम्मच, हींग आधा चम्मच,
मेथी 1 चम्मच, तेल लिया है हमने 1 कटोरी और हमने पानी लिया है 6 ग्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं कढ़ी बनाना। ये हमने 2 ग्लास दही को जो है बर्तन में डाल लिया है और इसको जो है अच्छे से फेटेंगे। दही को जो है अच्छे से फेंटना है। बेसन डाल देंगे 1 कटोरी। हल्दी 2 चम्मच, मिर्च 2 चम्मच, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सबको। पानी डालेंगे 6 ग्लास। अच्छे से फेंट लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो है बेसन जो है दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें जो है तो ये गांठ ना रह जाए जैसे ये हो रही है। इसे अच्छे से बिल्कुल कर लेंगे मिक्स। अभी अच्छे से मिक्स हो गई है। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हमें तेल गर्म हो चुका है और इसमें हमें डाल दिया है 1/2 चम्मच हींग। अब डालेंगे 1 चम्मच मेथी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको जो है हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आया था, तब तक हम जो इसको चलाते रहेंगे।
उसको जो है चलाते रहेंगे, और जब हमारी कढ़ी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें जो है नमक ऐड कर देंगे। इससे पहले आपको नमक ऐड नहीं करना है। जो है हमारी 15 मिनट बाद जो है हमारी जो कढ़ी है ना थोड़ी पक चुकी है, इसमें उबाल आ गया है। इसमें हम ऐड कर देंगे नमक 2 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें जो है हम 2 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। अगर थोड़ा सा 2 गिलास पानी ऐड करना है इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे करीब 15 मिनट तक पकने देंगे, चलाते रहेंगे। कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाएंगे तो उसके लिए हमने लिया है बेसन 1 कटोरी, तेल 1 कटोरी, नमक 1.5 चम्मच, मिर्च 1.5 चम्मच, सोडा 0.5 चम्मच से कम। चलिए स्टार्ट करते हैं पकौड़ी बनाना। पकौड़ी का बैटर बनाएंगे, इसके लिए हम डालेंगे इसमें 1 कटोरी बेसन, नमक 1 चम्मच, मिर्च 1.5 चम्मच, थोड़ा सा सोडा, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करीब हमने 1/2 गिलास के करीब पानी ले लिया है और इसको मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और यूज़ करेंगे। और इसके लिए हम कम से कम 10 मिनट के करीब इसे छोड़ देंगे। ये है और पकौड़े तलने के लिए इसमें हम डाल देंगे तेल 1 कटोरी। तेल को जो है गर्म होने देंगे, थोड़ा सा तेल और ऐड कर देंगे इसमें। एक कटोरी तेल और ऐड कर देंगे। हमें तलने के लिए 2 कटोरी तेल लिया है और तेल को जो है अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। गर्म हो गया है, हम इसे पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे।
थोड़ा थोड़ा बैटर लाना है, लेना है और छोड़ना है, ये हमारी जो पकौड़ी है वो गोल शेप में बन सके। हमारी पकौड़ी जो है देखिए हमने अच्छे से फ्राई कर ली है और ये फ्राई कर रहे हैं हम लोग। हमारी जो पकौड़ी है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, उनको निकाल लेंगे अलग बर्तन में। ऐसे हम और पकौड़ी बना लेंगे। ये हमने कढ़ाई ले ली है और उस कढ़ाई में जो है हमने थोड़ी सी मेथी डाल दी है और मेथी को हम गर्म होने देंगे। और इसमें हम जो है हमारे चार पांच छह जो है हमने सूखी लाल मिर्च डाल दी है और सूखी लाल मिर्च को हम जब तक फ्राई करेंगे तब तक ये ब्लैक ना हो जाए। तो इसमें हमने थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है हो गई है, इसको हम जो है अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए इसमें 2 चम्मच तेल डाल दिया है जो हमने मिर्ची के साथ अभी गरम पकाया था। तेल डाल दिया हमने,
और इसमें हम जो हमने मिर्ची अभी भुनी है वो डाल देंगे। पकौड़ी डाल देंगे इसमें। हमारी जो कढ़ी है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए हमारी कढ़ी बनने का कितनी अच्छी लग रही है और बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ी बनने का कितनी अच्छी लग रही है। देखिए ये हमारी जो कढ़ी है अब बनके तैयार हो चुकी है। देखिए हमारी कढ़ी बनने के बाद कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही इजी तरीके से हमने कढ़ी को बना लिया है। देखिए अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।